आपके। हाँ या गोन डिस्पैच क्या लेता है बोलो। डिस्पैच एक्शन और पेलोड और टाइप डिस्पैच फंक्शन लेता है एक्शन सबसे पहले तो यस एक्शन, सेट स्टेट और एक्शन लाइक एक्शन इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, एंड इन दैट ऑब्जेक्ट व्हाट वी आर गोइंग टू पास टाइप एंड ऑब्जेक्ट पेलोड। तो अभी ये हमेशा पता है अपने को कि एक्शन ऑब्जेक्ट ही लेता है, एंड ऑब्जेक्ट में अगर पर्टिकुलर टाइप वाला है तो पर्टिकुलर टाइप वाला वो पर्टिकुलर टाइप कितने बार भी करो ये टाइप कांस्टेंट रहेगा। लाइक अगर मुझे लॉगिन वाला 3-4 पेजेस पे बनाना है, 3-4 पेजेस पे डिस्पैच लिखना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डिस्पैच इन दैट कॉल करना पड़ेगा, टाइप लिखना पड़ेगा इन दैट टाइप आई नीड टू लाइक लॉग इन, एंड दिस लॉग इन, ये देखो दिस लॉग इन विल ऑल्सो कम फ्रॉम माई टाइप, जहां पे टाइप रहेगा ना ये जो ये वाला लॉग इन है, दिस लॉग इन आई विल यूज। ओके जस्ट लाइक जस्ट सर हमें अलग से क्रिएटर क्यों बनाना है आपने, मतलब जैसे वही देखते हैं ना, वही देखते हैं पेलोड। और ये ऐसे अभी पेलोड में यहाँ पे कुछ भी पास कर दूँ, जैसे ये मेरा टोकन बन गया एक, तो ये लाइन अगर मुझे 2-3 पेज पे लॉग इन करवाना है, 2-3 पेज पे डिस्पैच वाले से लॉग इन करवाना है, तो मुझे ये पूरा लिखना पड़ेगा, हाँ हर बार लिखना पड़ेगा, हर हर फंक्शन के लिए ऐसा लिखना पड़ेगा। तो आप बट एक्शन की ये अलग फाइल बना रहे हो। हाँ हाँ देखो, तो ये जो है ये जो लॉग इन है ये हाँ वैसे रहने वाला है, ये इतना चीजें वैसे ही रहने वाली है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है, हाँ सिर्फ टोकन बदलेगा बराबर। ओके जो डायनेमिक वैल्यू है वो छोड़ के मैं जो भी मेरा एक्शन होता है उसका जो भी चीजें है उसको मैं क्रिएटर में भर दूंगा, क्रिएटर में उसका एक फंक्शन लिख दूंगा और उसको ओके बोलूंगा एक्शन क्रिएटर। तो ये एक्शन एक्शन है ना, तो ये दिस इज द एक्शन, और इसको बनाने के लिए जो भी चीज लगती है, सो फॉर दैट रीजन व्हाट वी कॉल दिस ऑब्जेक्ट को, ये जो ऑब्जेक्ट अपने को बना के देता है वो अगर एक मैं सेपरेट फंक्शन में रख दूं तो आई विल कॉल इट एज एक्शन क्रिएटर। ओके नाउ गेट द लाइक द व्हाट द क्रिएटर इज। यस वी गॉट इट व्हाट द अभी क्रिएटर इज। हियर आई जस्ट राइट 3-4 चीजें करनी है यहाँ पे। यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आई नीड टू राइट अ फंक्शन फॉर लॉग इन, ठीक है, लॉग इन क्रिएटर बनाना है। लॉग इन क्रिएटर क्या लेगा, टोकन, तो ठीक है हाँ टोकन मैं दे दूंगा इसको राइट। अभी ये लॉग इन क्रिएटर ने मुझे व्हाट व्हाट आई नीड फ्रॉम दिस लॉग इन क्रिएटर, समझे नहीं। ये लॉग इन क्रिएटर मुझे क्या क्यों यूज कर रहा हूं मैं, मुझे क्या चाहिए ये लॉग इन क्रिएटर से। इज और ट्रू करने के लिए नहीं नहीं ये अलेक्सी ना, वेयर वेयर इट इज, क्या चाहिए मुझे, ये वाला ऑब्जेक्ट चाहिए ना बना अच्छा के। हाँ 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 यस हाँ पेलोड हाँ टाइप ओके सो हियर ये मैं इसको टोकन दे रहा हूं, तो इसने मुझे रिटर्न में क्या देना चाहिए, दैट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देना चाहिए हाँ और टाइप इक्वल्स टू लॉग इन टाइप इक्वल्स टू नॉट लॉग लॉग इन, इन, जस्ट अ सेकेंड गाइज। टाइप वहां लॉग इन ही लिखा है ना, लॉग इन लॉग आउट। मतलब क्लास चल रहे हो रहे, ये देखो दिस लॉग इन विल टेक टाइप, ओके हेलो हाँ हाँ, एंड दिस टाइप ऑल्सो, यहाँ पे भी मेरा जो टाइप है दैट आई विल इम्पोर्ट, कहाँ से टाइप, कहाँ से कहाँ पे है, वो ऑथ कॉन्ट रिड्यूसर में शायद है ना, रिड्यूसर में होगा ना सर, वो तो भगवान कैसे होगा, जैसे होगा टाइप्स हाँ में सही है, टाइप्स होगा, में सर, टाइप्स में है ना, ये टाइप्स में है ना, ये लॉग इन एंड दिस, ये टाइप्स, इसलिए तो हाँ टाइप्स है इसका नाम है ना। हाँ तो फ्रॉम देयर आज टाइप को मैं यहाँ पे लॉग इन दे दूंगा बराबर, ठीक है एंड जो भी यहाँ पे टोकन है, टोकन नहीं पेलोड, क्योंकि ये लेके जाएगा पेलोड, इसको क्या देंगे टोकन ठीक है, यार। दो तो टोकन टोकियो लेके रखकर हाँ सो दिस इज द थिंग, इसको करेंगे ई एक्स एक्सपोर्ट पी ओ, ठीक है।
और सेम चीज, सेम चीज क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। लॉग आउट, लॉग आउट पेलोड नहीं लेगा, नहीं लेगा मतलब ये देखो, नहीं लेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। और अभी सिंपली ये जो मैंने किया है, आई आल्सो यार इसलिए मैं तुमको बोला था इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। हाँ तो अभी तो एक घंटा पूरा ही है। लॉग इन डॉट जे एस एक्स, इसका फॉर्मेट सेंड करूँ क्या फॉर्म का कोई? कर देंगे, कुछ नया करते हैं क्या, लाइक जाने दो तो, वी विल डू इट लेटर। फ्रॉम, फ्रॉम रिएक्ट, ये देखो तुमको एक और चीज दिखाता हूँ, यू यू नीड टू लर्न दिस एंड यू आर गोइंग टू लर्न दिस। और ये कॉपी करो कोड और यूज करो। भगवान कसम, चीटिंग करने में तो ये पीएचडी कर रखी है। जस्ट I will explain you that क्या करना पड़ेगा, function login, login वही करो paste and ये जाने दो from here, you need to learn this because in like most of the cases you are going to use this in the industry for make, okay. Import formic, use formic, use formic form formic, use formic, use formic and the initial state is email and password. On submit, I need to send the use formic क्या है, कोई वो है खुद का बनाया हुआ है नहीं, क्या? नहीं, 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 use formic बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, this is going to use in all industry, और ये देखिए अपना लॉगिन वाला सेम इसके वाला इसका पासवर्ड पासवर्ड और वो स्टेट हैंडल करो, वो इतनी चीज करो, इसका कोई लेना देना नहीं, एवरीथिंग विल गेट हैंडल इंटरनली बाय इटसेल्फ। तो जस्ट वो नाम बराबर दो, नाम करेगा पासवर्ड, ओके जस्ट ट्राई टू सी द आउटपुट फर्स्ट। ऐप के अंदर इंपोर्ट लॉगिन डॉट जेएसएक्स, चक्र का यूज करते थे थोड़ा, अभी हम लोग पढ़े थोड़ा सा कुछ और समझ में आता है, ये फॉर्मिक ला दिए फिर थोड़ा सा कुछ डिफरेंस कंफ्यूजन हो रहा है इससे। ओके वो सेल्फ ट्राई करो बाद में, अभी पहले देखो तो कैसे हो रहा है रिड्यूसर से, वो लिखना पड़ता है यार, इसलिए दैट्स व्हाई आई थिंक ओके वी कैन ट्राई लॉगिन। अरे पहले इसे सक्सेसफुल तो कर लेते हैं। हां वो एक्सपोर्ट नहीं किया है ना, दैट्स व्हाई इट्स नॉट कमिंग। ऊपर इंपोर्ट भी तो होगा लॉगिन, जान पे आ रहा है यार वो इंपोर्ट से वहां। ठीक है सर, इंपोर्ट नहीं किया लॉगिन। हाँ लॉगिन हो गया है ना, वो लाइक ऑटोमेटिक हो गया, वो कैच कर लिया। बटन के वहां भी है सर एक भी यार, दैट्स द केस। अभी जो भी ये समझ के लिए जाएगा, अभी क्या क्या लेना है अपने को बोलो। इम्पोर्ट स्टेट मेरा, स्टेट मेरा मुझे क्या करना है, वॉट एवर माई वैल्यू कम, अगर यहाँ पे
बोलो यहाँ पे क्या करना है अभी, हैंडल समिट और हैंडल चेंज के दो फंक्शन बनाने हैं सबसे पहले तो। हैंडल सबमिट एंड हैंडल चेंज। ओके फिर तो ये वी नीड टू डू दैट फ्रॉम बेसिक्स जाएंगे। उसमें ही लिख रखा है फॉर्मिक डॉट हैंडल समिट, हाँ सो दैट वो सब हैंडल करता है, अगर तो अपन को लिखना नहीं पड़ेगा कुछ भी वो हैंडल कुछ समिट। अगर वो लिखा है तो कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, बट ओके वी विल सी दैट फ्रॉम स्टार्ट। ओके मुझे लगा ये सही है, पर तो कुछ हैंडल नहीं करना पड़ता है, सब बना बनाया है। फॉर्मेट फिर हम पढ़ कर रहे हैं सब चीजें, ये बताओ कैसे यूज करते हैं। चेंज हो गया तो वही तो कह रहा है, चेंज नहीं बताओ होगा, कैसे यूज बहुत करते हैं। मिलियंस में डाउनलोड है उसके, मतलब पर वीक। हाँ डेटा क्यों बना रहे हैं? ओके मैं तुमको ईमेल ईमेल अभी के लिए वो बस यही दिखा देता हूँ, वो जो लॉगिन और टोकन है ना वही सेव करेंगे, पर तुम वहां से ही लॉग ये ईमेल और वो भी वही से ला सकते हो। ठीक है अभी के लिए हम अपन ऐसा देखते हैं, कहाँ से ला सकते हैं हम ईमेल और वो? वो भी स्टेट वहां पे स्टोर कर दो। अच्छा रिड्यूसर में, हाँ हाँ रे कॉन्टेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट में, सॉरी। ओके तो मतलब जो हम वहां पे इनिशियल स्टेट में ही उसको मेंशन कर दें। अगर करना हो तो, मतलब ओके तुमको हाँ अगर दिया तो भी मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बट ठीक है। ये भी एक तरीका है। ऑन ऑन सबमिट, ऑन सबमिट मैं बोल ही जा रहा हूँ यार, लाइक तो हमें तो रिड्यूसर से करना है ना लॉगिन, तो यहाँ पे सेट इस स्टेट से क्यों कर रहे हैं अपन? रिड्यूसर से तुमको वो वैल्यू स्टोर करनी है ना। ये जो ये देखो रिड्यूसर में क्या है, रिड्यूसर क्या करेगा तुम्हारा हाँ टोकन एंड ये पेलोड जो है हाँ ये, और ये जो है ये सब क्रिएटर क्रिएटर में तुम कॉन्टेक्स्ट में तुम स्टेट बना सकते हो राइट, हाँ और वो स्टेट और ये जो फंक्शन है ये कंबाइन करके अपन ये जो डिस्पैच वाला है ठीक हाँ है ये डिस्पैच पास करेंगे यहाँ पे। देखो डिस्पैच यहाँ पे पास ना करके ये देखो ये जो है मैं क्या करूंगा, ये मतलब एक एक दो बार तुमको ये करना पड़ देखना पड़ेगा, एक पहले ही इसमें नहीं होगा। नहीं आप जैसे अभी करोगे ना इधर ही से करो ना, तो हम पूरा समझ जाएंगे, उसके बाद तो हम कर देंगे आपके साथ। हाँ भाई बनना ठीक भी तो चाहिए, हम तो है छोड़ते ही नहीं जब तक कर आप, हमें पूरा ना समझ आ जाएगा। ये देखो अभी मैं ये पांच वैल्यू में आप क्या लिखे हो TY? वैल्यू में अभी 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 कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, रुको ना वैल्यू में अपन पास करेंगे। देखो वैल्यू वी विल क्रिएट दैट वैल्यू, वंस वी क्रिएट दैट आई विल लेट यू नो। वो वैल्यू बनाते हैं ठीक है, वैल्यू वाला एक वेरिएबल लेंगे, वैल्यू में ऑब्जेक्ट रहेगा एंड दिस वैल्यू विल गो हियर, वैल्यू स्टेट कर देते हैं, इनिशियल स्टेट बना दिया है क्या? तो वैल्यू ही करना पड़ेगा उसको, लॉग इन स्टेट डीस्ट्रक्चर कर, करेंगे ना स्टेट फिर पास सब। करिए, लॉग इन और लॉग आउट दोनों फंक्शन पास करिए उसमें। इक्वल्स टू आ जाएगा वैल्यू ना, वैल्यू इक्वल्स टू नहीं ऑब्जेक्ट क्यों आएगा? नहीं एक वो जावास्क्रिप्ट के लिए एक, उसके अंदर जावा अगर लिखूंगा तब मुझे अगर दूसरा लिखना पड़ेगा। अभी देखो अभी व्हाट आई विल डू, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ या फिर तुम कुछ और तरीके से भी कर सकते हो ठीक है, पर यहाँ पे मैं क्या करूंगा लॉग इन ठीक है, हाँ लॉग इन यूजर यूजर यूजर, अभी इसमें सीधा सीधा ये करूंगा फंक्शन और इसमें दूंगा डिस्पैच और इसको पास करूंगा, क्या पास करूंगा लॉग इन, ठीक है। और ये वाला सेम चीज कॉपी वी लॉग लॉग आउट। आउट। अच्छा ये अपन ने और बनाया है क्रिएटर में लॉग इन लॉग हाँ आउट। ओके पर फिर ये डिस्पैच क्या लेता है, डिस्पैच क्या लेता है ऑब्जेक्ट एक्शन लेता है, एक्शन क्या होता है ऑब्जेक्ट, और हाँ ऑब्जेक्ट अगर वो मुझे चाहिए तो मुझे वो यहाँ पे मिल जाएगा
ठीक है, और यहां से आएगा टोकन, हो ठीक है, जाएगा टोकन। हम्म, और अभी ये जो है ये जाएंगे सब चीजें स्टेट, स्टेट स्टेट कहाँ पे, स्टेट है ना, हाँ स्टेट, लॉगिन यूजर स्टेट। ये कलर चेंज क्यों नहीं हुआ, कहाँ पे आ रहा है क्या वो? तो आप ये कांस्टेंट वैल्यू इक्वल्स टू आएगा सर, कांस्टेंट वैल्यू इक्वल्स नहीं हो, हाँ एक तो मानते नहीं हो हमारी बात। हाँ, और लॉग इन लॉग आउट यूजर डिस्पैच भी तो देना पड़ेगा, लॉग इन यूजर क्यों क्यों डिस्पैच करोगे? अरे तो जब उस वाले ऑर्थ कॉन ऐप में डिस्पैच करोगे तो इधर डिस्पैच एक्सपोर्ट होगा ना, वो ऑर्थ कॉन्टेक्स्ट के लिए है भाई, इसलिए उसमें से वैल्यू लेते हैं ऑब्जेक्ट में और इसको यहाँ पास करते हैं लाइन नंबर 28 में जो पास किया गया वैल्यू इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट में वैल्यू है, उसके लिए लॉगिन में जब अपन लॉगिन को करेंगे तो वहां पे जब बुलाएंगे इसको वैल्यू को वहां पे तो डिस्पैच करना पड़ेगा ना सर। वी विल सी, मैं अभी के लिए तो व्हाटएवर वी हैव राइट इट्स करेक्ट, यहां पे करते हैं हियर, ये फंक्शन आप गलत लिखते हो, सबमिट इक्वल टू, पहले तो यहां पे तो ये भी तो लेना पड़ेगा, वी विल गो लाइन बाय लाइन। यहां पे क्या है, यूज कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, कहाँ से आएगा, ऐप कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ऑथ है क्या, कुछ भी ऑथ है, ऑथ जो भी है, कहाँ से कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट, अभी सजेशन दिया वो वाला ले लेंगे, इसका ये ऑथ कॉन्टेक्स्ट का दे रहा है। Okay, ये नहीं, ये होगा कैपिटल वाला है ना, सी भी कैपिटल होगा फिर। अरे यार कहाँ पे, यहाँ पे ये डेटा ये हो गया यूज, अभी करते हैं पहले तो वो वाला इंपोर्ट, कॉन्स क्या क्या थी, तीन चीजें थी, कहाँ से use context is use context इसमें auth context add auth context क्या क्या था बोलो, state login user logout user login user log out user, out user. अभी अगर मैं यहाँ पे we will use Axios, Axios, Axios use करा तो import Axios, हाँ we will do that Axios from Axios, ठीक है, हाँ ये यहाँ पे इज इक्वल टू चाहिए, दिस इज द थिंग, और ये ऑन सबमिट में मैं क्या करूँगा, ऑन सबमिट में तो मेरा पहले आएगा ई ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट डॉट प्री डॉट डॉट प्री लॉगिन डिफॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कॉल किया, After that, I need to axios.get, axios.get में क्या जाएगा, एक तो जाएगी URL, तो get थोड़ी post होगा ना, post, हाँ हाँ, post, login, और मैं क्या कर रहा था, हाँ ये URL, API login, और पोस्ट में मुझे पता नहीं है क्या जाएगा, सीधा सीधा होवर करो, क्या बोल रहा है, एक तो जाएगा एपीआई जाएगा ना यूआरएल, हाँ एक तो जाएगा यूआरएल, ये देखो यूआर, अरे यार यूआरएल, सेकंड थिंग इज डेटा, बराबर, तो वो दोनों चीजें भेज देंगे, पहली चीज क्या है यूआरएल कॉमा देके, अरे कुछ बनाना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट ही भेजना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट,
ऑब्जेक्ट 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 जेसन सर्वर से कर रहे हैं ना सर, जेसन सर्वर से आउटपुट पोस्ट वगैरह जो है उसी से होता है ना, डेटा इज इक्वल टू ओके ओके सर एक्सियस 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 से कर ओके ओके यस यस डेटा 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 हाँ तो एक ही नाम है तो ले लेगा बराबर। अभी ऑन सबमिट, ऑन सबमिट को कॉल किया, ये क्यों एरर दे रहा है अभी, ऑन चेंज वैल्यू, वैल्यू है डेटा डॉट ईमेल, ईमेल ये लेगा ऑन चेंज, ऑन चेंज डेटा क्या क्या लिखो बोलो बोलो, इसका नेम लिख दो और वैल्यू उसमें पास कर दो कॉन्स्ट, ईडो टारगेट ना। हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, टारगेट इधर क्या लिखूं, नेम नेम और वैल्यू को, आईडी लिखूंगा तो नहीं आएगा, हो जाएगा, टाइप लिखूंगा तो, आईडी भी लिखोगे तो हो जाएगा, टाइप होगा, नेम भी और आईडी टाइप, टाइप से भी होगा, टाइप से भी हो जाएगा, टाइप और वैल्यू ले लो, नेम ले लो, कुछ तो ले लो, सब में हो जाएगा। वही मैं नहीं, मैं बस पूछ रहा था क्योंकि किसने तो भी लाइक लास्ट टाइम ये पूछ यही किया था, तो वैल्यू तो लेनी पड़ेगी, वैल्यू 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 हाँ हाँ हाँ, इसमें क्यों एरर दे रहा है अभी ये, वो एरो मिसिंग है, एरो साइन पास नहीं किया, ई पास नहीं किया, नहीं नहीं बराबर है बराबर। अभी अभी क्या करना है, सेट इवेंट, इवेंट भी तो पास कर दो आप इसमें, हाँ इवेंट पास करना पड़ेगा यहाँ पे, डॉट 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 डेटा डेटा सॉरी डेटा डेटा, दूसरी चीज स्क्वायर ब्रैकेट इसमें नेम नेम टाइप 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 इक्वल टू वैल्यू और वैल्यू वैल्यू दे लेते हैं, ये टारगेट सर स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों गया, मतलब ये वेरिएबल है इसलिए, फिर यहाँ पे वो ये वैल्यू आ जाती है ना, मतलब की बन जाती है वो नाम भी, अपना टाइप यहाँ पे ईमेल है तो ईमेल का की बन जाएगा, टाइप हमारा वेरिएबल है इसलिए हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिया। हाँ हाँ ओके, ऑन चेंज डेटा, ऑन चेंज डेटा को कॉल करना पड़ेगा कि ऐसे ही ले लेगा, बोलो कॉल करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, यहाँ सॉरी सॉरी कॉल नहीं करना पड़ेगा, कॉल थोड़ी ना करूंगा, ऑब्जेक्ट में तो फिर वेरिएबल है तो नहीं को। अभी यहाँ पे क्या लिखो, डेटा डॉट पासवर्ड, डेटा डॉट पासवर्ड, अभी क्या एरर दे रहा है ये बोलो, कौन से स्टेट वाला एरर दे रहा है, स्टेट 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 कहाँ पे, लॉग इन ऑथेंटिकेशन, वहां पे स्टेट ही बनाया है ना अपन ने, डिस्पैच स्टेट स्टेट टन वैल्यू, ये स्टेट आएगा, ये स्टेट यहाँ से यहाँ पे आ गया, ओके वैल्यू इसमें पास कर ही गया, सर वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगा ना वैल्यू, तो ये ऑब्जेक्ट, ये दिस इज एक दिस इज अ ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत है, क्यों नहीं, लेट्स सी यूज कॉन्टेक्स्ट, ये यहाँ पे खत्म, ये यहाँ पे स्टार्ट, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट नेम एक्सपोर्ट किया है अपन ने, यूज कॉन्टेक्स्ट लिया है, ओके लेट्स सी ये यहाँ पे उसके बाद क्या होगा, ये इसमें जब जाएगा देन 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 क्या लेगा, रेस डॉट जेसन, देना है क्या इसको, नहीं देना पड़ेगा, देन रेस, अभी बोलो क्या लिख, अब आएगा
रुक जाओ एक सेकंड, एक स्टेट है ना वहां पे, लास्ट चीज है बस खत्म। स्टेट स्टेट डॉट देखेंगे ना, इजोथ स्टेट डॉट इजोथ नहीं, स्टेट डॉट इजोथ जब लॉग आउट वगैरह कुछ वो ये हमको देखेंगे प्राइवेट राउट तब। अच्छा पहले हम इफ रिस्पांस डॉट टोकन, इफ डॉट टोकन अगर है तो क्या कर दे, क्या करना है जैसे लॉग इन यूजर। हाँ वो तो करते थे पर वो अभी तो रिड्यूसर में है, तो पहले कर लेंगे ना उसको। क्यों क्यों, अरे वो बना चुके हैं ना, वही तो अवॉइड करना है, समझ रहे हो क्या? हाँ वो मैं समझ रहा हूँ, स्टेट डॉट इज ऑट ट्रू कर देंगे ना, स्टेट डॉट इज ऑट ट्रू नहीं ना, वही ये देखो रिड्यूसर मेरा, रिड्यूसर में लॉग इन फंक्शन क्या कर रहा है, इज ऑट ट्रू कर रहा है ना। हाँ। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये वाली केस रन करवानी है, और अगर ये वाली केस रन करवानी है रिड्यूसर से तो क्या लिखना पड़ेगा, वो ये डिस्पैच करना पड़ेगा ना। ये देखो टाइप इक्वल्स लॉगिन करना। हाँ तो अभी तुमने तुमने स्टेट स्टेट कहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्स्ट में। हाँ और तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट में ही फंक्शंस है सब, अभी फंक्शन अपने को बार बार नहीं लिखना है, इसलिए तो अपन ये कर रहे हैं। लाइक दिस इज द सिंपलेस्ट वे आई एम एक्सप्लेनिंग यू, ये ऐसा नहीं होता है पर ये समझने के लिए तुम समझ जाओगे इससे कि ये जो है टाइप यहाँ पे है, अभी फंक्शन मेरा जो डिस्पैच वगैरह वाला है, डिस्पैच मेरे पास लाके देगा वो टाइप वो ऑब्जेक्ट एक्शन वाला, और वो एक्शन अगर डिस्पैच को कॉल करूंगा तो ऑटोमेटिकली कौन कॉल होगा, रिड्यूसर। रिड्यूसर कॉल होगा, तो रिड्यूसर में से मुझे क्या कॉल करवाना है जब कोई बंदा अगर लॉग इन हो गया तो, लॉग इन वाला डिस्पैच लॉग इन हो जाएगा। हाँ क्योंकि मेरे क्रिएटर में मैंने ये कर दिया है कि टोकन की वैल्यू चले जाए, ऐसा आई है ऑलरेडी क्रिएटेड। जैसे इफ आई गो टू क्रिएटर और इसको करते हैं ऐसा, क्रिएटर एंड ऊपर वाला कौन सा है रिड्यूसर। हाँ सो अभी देखो हियर ये क्या है, टोकन टोकन पेलोड है, और यहाँ पे मैंने लॉगिन का जब फंक्शन बनाऊंगा तब मेरा ऑब्जेक्ट क्या रिटर्न होने वाला है, मतलब टाइप लॉगिन होने वाला है और पेलोड पेलोड टोकन से आने वाला है। मतलब अगर मैं ये लॉगिन फंक्शन कॉल कर दूं तो मेरा ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसके जो मेरा ये वाला फंक्शन कॉल करेगा लॉगिन वाला, बराबर। हाँ तो यहाँ पे हम क्रिएटर से पहले इंपोर्ट करेंगे। यस यस तो क्रिएटर से वो इंपोर्ट भी किया है ना अपन ने, ये देखो कहाँ पे गया, इन रीड इन अवर ऑथ कॉन्टेक्स्ट, इन अवर ऑथ कॉन्टेक्स्ट मैंने स्टार्टिंग में ही ये देखो आई हैव इंपोर्टेड दैट लॉगिन, और ये लॉगिन यहाँ पे इंपोर्ट करके यूज रिड्यूसर में स्टेट कौन सी जा रही है, ये वाली इनिशियल स्टेट राइट, ये स्टेट जाती है वो जाएगी रिड्यूसर में। रिड्यूसर में क्या चाहिए, स्टेट एंड एक्शन गया, यहाँ से एक्शन कैसे जाएगा, एक्शन मतलब, एक्शन मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन देने वाला है, ऑब्जेक्ट देने वाला है ये वाले लॉगिन वाले फंक्शंस, बराबर। तो अभी मैंने उसको क्या किया, ये डिस्पैच यहाँ पे कॉल कर लिया, और ये डिस्पैच क्या करने वाला है यहाँ पे, वो फंक्शन कॉल करने वाला है। तो अगर मैं ये लॉगिन यूजर को कॉल कर देना, हाँ तो लॉगिन यूजर को कॉल करूंगा तो वो हो जाएगा राइट। तो अभी देखते हैं, अभी तो देखना पड़ेगा एरर क्या आ रहा है। तो ऑथ कॉन्टेक्स्ट ये लाइन करते हैं, कैनॉट रीड द प्रॉपर्टी स्टेट, स्टेट हटाते हैं, लॉग इन यूजर ये यूज कॉन्टेक्स्ट एक्सपोर्ट नहीं किया है क्या, यूज कॉन्टेक्स्ट ये चीज रह गई क्या कि नहीं, ये क्या ही नहीं यहाँ ठीक है सर, नहीं सर नहीं ठीक है, ठीक है ये सर ब्राउजर लगाते लगाते हैं, चक्रा यूआई के लिए लगाते हैं, और एक इसके लिए लगाते हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के लिए लगाना पड़ेगा, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर ये सर कॉन्टेक्स्ट ये सर लगाओ क्या कि नहीं, रहने दो नहीं सर लगाइए तभी होगा। हाँ अभी क्या, अभी देख लो क्या एरर देता है, मैं जैसे एक सेकंड
ये अच्छा हो गया, और थोड़ा मेरे को शो ऑफ करने को, ये देखो ये लाइक दिस इज द थिंग दैट आई हैव क्रिएटेड, मेरे को जो भी एरर आते हैं वो मैं खुद के लिए सेव करके रखता हूँ. इम्पोर्ट नॉट नॉट इम्पोर्टेड नॉट इम्पोर्टेड आई एम कॉन्टेक्स्ट ये मैं प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, सोशल मीडिया टाइप. अभी कोई भी ब्राउजर से सेव कर लेगा तो उसको उसके इसमें मिल जाएगा, उसके लाइक प्लेटफॉर्म पे. आप मसाई के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो? नहीं यार, मसाई के नहीं, मेरा खुद का है. ये भी रिएक्ट से ही बनता है. ये क्या है, मतलब बुकमार्क आपने किया, ये इसमें क्या चीज कही है, कहां से मिलेगा ये? जैसे तुमको नहीं, ये जैसे अभी मैं कुछ सर्च करता हूँ कोड, तो ये कोड कहाँ पे गया अपना बॉयलर प्लेट, ये देखो. या हेलो, कौन बोल रहा है? लाइक इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन से नेक्स्ट वर्ड. तो ये लाइक जस्ट मैं को जो भी एरर आते हैं, जो भी नहीं समझता है, मैं वो वेबसाइट और ये सेव कर लेता हूँ. दिस इज माय माइंड. ये कुछ क्रिएट किया हुआ? हाँ, तो वो एक्सटेंशन टाइप है. और वो ब्राउजर के लिए, ब्राउजर के लिए कुछ है क्या ये ब्राउजर? हाँ, एक्सटेंशन एक्सटेंशन तो उसी का, उसी का सोशल मीडिया है, लाइक उसी का ये भी है, वेबसाइट भी है. तो वहाँ पे तुम तुम्हारा लोगों के साथ तुम्हारे तुमको जो एरर आता है वो शेयर कर सकते हो, दूसरों का कुछ देख सकते हो. तो वो बहुत मतलब बहुत कुछ करना बाकी है उसमें. ये एक्सटेंशन आप क्रिएट किए हो या मतलब कि कहीं से डाउनलोड? नहीं नहीं मैं क्रिएट किया हूं. तो उसका नाम क्या है? उसका नाम मैंने कुछ दिया ही नहीं है. लोकल ही है वो, लिंक पे इस पे नहीं है मेरा लोकल, मैं सिस्टम में ही इंस्टॉल किया हूं बस. अच्छा, देखो बुकमार्क ये वाला खुद का है, ये रिज्यूमे रिव्यूअर खुद का है. तो अभी तक नहीं है उसपे, वो जस्ट मेरे लिए. आपने फिफ्थ सिक्स्थ यूनिट में सीखा है कि हम लोग सीखेंगे ये सब की? नहीं नहीं मैंने अभी अभी मुझे काम पड़ रहा था हर बार, तो मैं बना लिया. तुमको कुछ काम, तुमको कुछ चीज का काम पड़े तुम बना लो. नहीं तो हम लोग सीखेंगे. नहीं ऐसा ऐसा कैसे सीखोगे? जो तुम सीख रहे हो बस इतना ही सीखना है और कुछ नहीं. आपने कहाँ से सीख लिया फिर ये सब? मैंने कहाँ से सीखा? मेरे को जैसे बनाना था अभी, ठीक है, तो एक एक चीज. योगेश सर बोलते हैं ना, मैजिक हैपेंस इन सिक्स्थ यूनिट, उसका वेट करो. ना ऐसा कुछ भी नहीं है बे, सन ने मेहनत डेली डेली कितना हो गया अपने आप. वही तो, बहुत चीजें है करने को. हाँ, क्या दिक्कत है अभी? और फिर वहां पे तो कमेंट किए हो आप लॉगिन वाले पे? कौन सा ब्रांड? हां, स्टेट वगैरह लिखे हैं वो अपनी पर्सनल चैट इंपोर्ट किया, भेज दिया उसने धोखे से. ये बंद भी किया है, प्रोवाइडर कॉल किया है, ये रिफ्रेश का इश्यू है, ये रिफ्रेश नहीं होता है. क्या फायदा 80,000 की मैकबुक लेने का? अरे वो सैंड बॉक्स का इश्यू है यार, ये क्या एरर दे रहा है. स्टिक मोड, स्टिक मोड को करते हैं बंद. फॉरगॉट टू एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट द फंक्शन. ये मेरे को पिछले बार भी एरर आया था यार, नेम एक्सपोर्ट, नेम एक्सपोर्ट, ये है डिफॉल्ट एक्सपोर्ट, दैट्स व्हाई ये एरर दे रहा है. हाँ अभी है बराबर, ठीक है, अभी कुछ एरर नहीं दे रहा है मुझे. सेट, तो अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉग इन हिंडे यार. रेस डॉट टोकन, टोकन होगा क्या? होना चाहिए सलाह. कंसोल करके देख लेते हैं आ रहा है या नहीं सर, उसी के नीचे. अरे सर एक और चीज पूछ रही थी, यूज नेविगेट और नेविगेट में अंतर क्या होता है? यूज नेविगेट जैसे उस पे काम करता है, फंक्शन पे नहीं. नेविगेट फंक्शन है और अभी मोस्टली नेविगेट ही यूज करना है.
यूज नेविगेट खुद से क्रिएट किया जाता है ना। हाँ यूज नेविगेट तुम होने के बाद तुमको कुछ इस जगह पे जाने के बाद दूसरे बार वो ये होता है कॉल होता है रेंडर होता है, पर नेविगेट हमेशा ही कॉल हो जाएगा। जैसे अरे तो अभी जैसे आपने लॉग इन यूजर किया है और उसके बाद मुझे नेविगेट यूज करना है तो यहाँ पे JSX में लिख नहीं सकता हूँ। हाँ तो वहाँ पे तुमको नेविगेट लिखना है, वहाँ पे उसके उस टाइम पे तुमको नेविगेट लिखना है। सर डिफरेंस डिफरेंस फिर से बोलिए एक बार। नेविगेट और नेविगेट, नेविगेट में तुमको जैसे वो टैग है ना वो इट्स लाइक अ टैग, यू कैन यूज दैट समवेयर जहाँ पे तुमको ये चीज के बाद दूसरी चीज करनी है। और जो नेविगेट है यूज नेविगेट करके जो फंक्शन ये आता है हुक आता है वो तुम कहीं पे भी लिख सकती हो, और वो उसी को ज्यादा प्रिफर करना है तुमको कहाँ पे भी लिखने के क्यों के लिए। यूज नेविगेट हो, हाँ यूज नेविगेट जो हुक है हुक ओके जो टैग है वो नहीं। इसका तो मतलब कि पीछे मतलब कि फीडबैक में मैंने देखा था वीडियो में तो यूज नेविगेट नेविगेट क्रिएट करने के लिए होता है ना कि जो खुद का नेविगेट आप क्रिएट कर लो इसलिए यूज नेविगेट के यूज करो, और नेविगेट जो होता है रिएक्ट आउट ऑफ डॉम से तुम मतलब कि डाउनलोड करके इंपोर्ट करके और यूज कर सकते हो। वो यूज वो नहीं करना है, वो अवॉइड करना है यूज करना, क्योंकि वो सेम दोनों चीजें मतलब 95-98% सेम काम करती है, पर ये यूज नेविगेट जो हुक है वो तुमको कोई एरर नहीं देगा, कोई ये नहीं इश्यू नहीं रहेगा। हाँ वो डायरेक्ट ट्रांसफर यहाँ पे फंक्शन बना के उसमें डॉट स्लैश कर दिया मैंने हो गया। हाँ पर जब इसमें अगर तुम ऐसा बीच में कुछ अगर कुछ उसको मिल गया ना चीजें तो वो कभी कभी उसको अवॉइड भी कर देता है, तो कभी कभी वो मतलब लिखने के बाद भी उसका काम नहीं करता है। तो अगर मुझे मान लो यहाँ पे जैसे आपने लॉग इन यूजर कॉल किया है और इसके बाद मुझे नेविगेट वो मतलब JSX वाला यूज करना है तो मैं कैसे लगाऊंगा क्या क्या यहाँ पे मान लो लॉग इन यूजर आपने कॉल किया वो रिस्पॉन्स डॉट टोकन में हमें मिल जाएगा ठीक है। अब टोकन मिलने के बाद मुझे JSX वाला जो है ना यूज नेविगेट टू लिखते हैं जिसमें वो लिखना है तो वो मैं कहाँ लिखूंगा नेविगेट टू जैसे मैं होम कर रहा हूँ तो, हाँ, तो वो डायरेक्ट ऑन क्लिक में ना ऑन क्लिक में। अरे तो फिर रिजॉर्ट टू होगा कि नहीं होगा तो डायरेक्ट पहले ही नेविगेट हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि अगर मेरा टोकन हो तब नेविगेट हो तो मैं फिर यहाँ पे लिखना है ना टोकन के अंदर वो जो तुम अगर वो नेविगेट बोल रहे हो वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यूज नेविगेट लिख सकते हैं ना हमें नेविगेट से नेविगेट का नेविगेट अरे नेविगेट ये देखो नेविगेट ये होता है ना यूज नेविगेट के बाद तुमको यू विल गेट कॉन्स्ट करके एक मिलेगा नेविगेट तो तुम उसको नेविगेट करके इज इक्वल टू यूज नेविगेट ऐसा करके लिखोगे और फिर जो बाद में ये जो नेविगेट यूज करोगे वो तुम यहाँ पे यूज करोगे टू करके। वो मैं समझ गया आपकी बात वो मैं पूरा एग्री कर रहा हूँ, बट अगर मैं इंपोर्ट नेविगेट करता हूँ रिएक्ट राउटर डॉम से और नेविगेट टू करके करता हूँ तो वो कैसे करूंगा तो भी यहीं पर होगा ना वो नहीं होता यहाँ पे JSX थोड़ी लिख सकते हैं नहीं काम करता JSX नहीं ये फंक्शन है ये फंक्शन है इसको डायरेक्ट तुमको यहाँ पे कॉल करना है फंक्शन कैसे लिखोगे फंक्शन को कॉल करोगे ना। शांतनु सर मैं ये कह रहा हूँ आप इंपोर्ट नेविगेट करोगे नेविगेट और या फिर वहां पे भी अपन वो नेविगेट की लाइब्रेरी ये करके कर सकते हैं रिएक्ट राउटर डॉम ठीक है ये आ गया पे नेविगेट के दो चीजें है नेविगेट नाश्ते में क्या खाया उसका समझ में आ गया सर मेरा उसका क्वेश्चन जो मुझे समझ में आ गया उसका क्वेश्चन ये है जो नेविगेट इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट आउट ऑफ डॉम से यहाँ पे हम वो तो यूज करते हैं JSX में लेकिन ये तो JSX है नहीं तो हम यहाँ पर कैसे यूज करेंगे नहीं कर सकते इसीलिए हम यूज नेविगेट का हम यूज करते हैं जो हुक है उसका यूज करते हैं और यहाँ पे हम उसको नेविगेट करते हैं। हाँ तो मैं वही तो बता रहा हूँ ये नेविगेट फंक्शन ही है। हाँ वही वही चीज वो पूछ रहा है कि यहाँ पर उसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते जो हम इम्पोर्ट करते हैं रिएक्ट आउट ऑफ डॉम से नेविगेट को जो रिएक्ट इम्पोर्ट करते हैं उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो JSX वाला तुम यहाँ पे क्या करोगे
यहाँ पे सिंपल, अगर तुमको वो JSX नहीं है तो JSX कब काम करता है बोलो, ये पेज पे कब काम कर रहा है? रिटर्न, रिटर्न में काम करेगा बराबर। तो अगर मैं यहाँ पे ही रिटर्न लिख दूं और रिटर्न में वो लिख दूं तो यहाँ पे भी तो काम करेगा, करेगा समझ रहे हो? हाँ काम करेगा। मैं वही पूछ रहा था, मेरा काम नहीं कर रहा था लास्ट टाइम तुम्हारे। अरे ये रिटर्न तुमने किसके लिए लिखा है? ये फंक्शन का, लॉगिन वाले। हाँ बराबर। अभी ये इधर किस, यहाँ पे भी अगर तुम रिटर्न लिख दोगे वो किसके लिए होगा? ये फंक्शन के लिए। हाँ तो ये फंक्शन के लिए वाला काम करेगा, ये एक्सियोस यहाँ पे काम नहीं करेगा, ये एक्सियोस में काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये रिटर्न किसका होगा? ये एक्सियोस वाले का होगा। तो ये चीज अवॉइड करने के लिए ही अपने पास वो वाला नेविगेट वाला है, यूज नेविगेट। हाँ यूज नेविगेट हो। हाँ पर अगर तुम यहाँ पे कहाँ पे भी यूज करना चाहो और वो अगर ये लॉगिन वाले का रिटर्न रहा तो वो तुम जैसे कहाँ पे भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार यहाँ पे लिख दी तो अभी ऊपर कहाँ पे लिख नहीं सकते। यहाँ पे भी मैं जैसे रिटर्न करके जैसे लिख सकता हूँ। लास्ट टाइम मेरा वो क्या हो रहा होगा, डॉट देन के लिए मैं जब रिटर्न कर रहा था ना तो वो, हाँ तो उसमें नहीं होता है, उसमें उसमें तुमको वही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रिफरेबली ये वाली जो हुक है वो यूज करो, वो हर जगह काम आएगी। वो रिटर्न नहीं लेती है ये, अपना वाला क्या लेता है? ये रिटर्न लेता है, और वो भी रिटर्न होना चाहिए कंपोनेंट वाले का, मेन पैरेंट का। ओके सो अभी अभी क्या एरर आ रहा है? बट एक समझो एरर यहाँ पे आपने जो एक्सेस डॉट पोस्ट किया था, यहाँ पे पोस्ट क्रिएट भी करना पड़ेगा ना, जो आप ईमेल और ईमेल उसमें जो पोस्ट कर रहे हो तो उसके लिए पोस्ट रिक्वेस्ट भी तो क्रिएट होना चाहिए। एक्सेस डॉट पोस्ट नहीं नहीं, मैंने एक्सेस मेथड भी तो है ना, मेथड भी तो इसमें आपको करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ये एक्सेस से कुछ नहीं होता, सर्वर के लिए करते हैं, एक्सेस में नहीं। हाँ अगर तुम ऐसा लिखोगे ना एक्सेस और बाद में ये खोलोगे और यहाँ पे कुछ वैल्यू दोगे, फिर यूआरएल और फिर तुमको वो पोस्ट मेथड जो भी डालना है वो देना पड़ेगा। बट अगर तुम एक्सेस डॉट पोस्ट डायरेक्टली लिख देते हो दैट टाइम तुमको नहीं देना है, फिर नहीं देना है। ये दो अलग उसमें मेथड नहीं देना है, डायरेक्ट आप डॉट पोस्ट कर दो फिर पोस्ट देते हो तो मेथड ऑलरेडी डिफाइन है, इसलिए तो अपन मतलब ये सिंपलिसिटी के लिए। सर आपको पता है आपने क्या गलती की है? हाँ वैल्यू तो दो पहले इनपुट में, इनपुट इनपुट में वैल्यू है, सब है, सब है। ये करते हैं पासवर्ड चिली का, और ये करते हैं ये लो तो ऑन सबमिट, ऑन सबमिट पे इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये करेंगे रिटर्न एंड 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 एक्सियोस जाएगा, जिसन सर्वर बनाएगा, टोकन आएगा और ये लॉगिन मेरा जाएगा मेरे इसमें। रिक्वेस्ट फेल टू स्टैक के वी विल सी व्हाट्स द इशू, पर ये समझो कि तुमको करना ऐसा ही है। इशू देखते हैं ऑन समिट पे सर, डाटा को करो आप कंसोल, आ रहा है कि उस पे भी नहीं आ रहा, वो पहले वो देखते हैं, वो देखते हैं अपन, ले तो नहीं तो बीच में ये कभी खत्म हो गया तो ये हो जाएगा। अभी पहले एक चीज समझो, मैंने कॉन्टेक्स्ट बनाया बराबर, ये पहले इसको ये करते हैं, ये इस मतलब तुमको कुछ ना कुछ बॉयलर प्लेट मिलेगा तो उससे तुमको समझना पड़ेगा कि क्या कहाँ पे क्या करना है। पर जो मेन स्ट्रक्चर रहेगा, मेन स्ट्रक्चर लाइक इवोल्यूशन के लिए बोल लो या फिर किसके लिए भी बोल लो, तो मेन स्ट्रक्चर क्या है, तुमको ये रिड्यूसर वाली चीजें, रिड्यूसर वाली चीजें, रिड्यूसर क्या लेता है इनिशियल स्टेट, और जो ये इनिशियल स्टेट लेगा ना वो तुम्हारा लेगा ये कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेट है वो तुम्हारे रिड्यूसर के लिए इनिशियल स्टेट बन जाएगा। और वो अगर तुमको तुम्हारे रिड्यूसर के लिए इनिशियल स्टेट बनाना है तो तुमको रिड्यूसर यूज रिड्यूसर किस में लिखना पड़ेगा? ऑथ कॉन्टेक्स्ट, ऑथ कॉन्टेक्स्ट में। और ऑथ कॉन्टेक्स्ट में अगर तुम रिड्यूसर लिखते हो तो तुम डायरेक्टली डायरेक्टली डिस्पैच पास कर सकते हो, ठीक है? दो चीजें कर सकते हो, मतलब ये समझो कि ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रक्चर है, तुमको बॉयलर प्लेट कुछ और भी मिल सकती है। पर ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे जैसे अपन ने ये भेजी, ये दो चीजें भेजी है, ठीक है? तो तुम 90% डायरेक्टली ही स्टेट भेजो, ये वैल्यू के जगह पे तुम स्टेट और डिस्पैच डायरेक्टली ही भेजोगे,
ओके और स्टेट टू डिस्पैच अगर डायरेक्टली भेज दिया तो उस पेज पे तुम्हारा तुमको डिस्पैच मिल जाएगा। हाँ। तो ये जो एक्स्ट्रा वाला जो मैंने लॉगिन यूजर यहाँ पे बनाया है तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, मैं उधर ही मेरा डिस्पैच क्या करेगा ऑन लॉगिन जैसे सेट हो जाएगा, ये सेम लाइन मैं अगर उधर भी लिख दू तो भी रन हो जाएगा। हाँ। और स्टेट तो मेरा रिड्यूसर कहाँ पे भी, जैसे कहाँ पे भी मेरा डिस्पैचर यहाँ से ही जा रहा है तो चीजें लेके भी यहाँ पे ही आएगा, और मेरा डिस्पैचर यहाँ पे, स्टेट यहाँ पे, रिड्यूसर यहाँ पे, तो चीजें मेरी यहाँ से वापस किधर जाएगी, रिड्यूसर में। हाँ। और उसका काम करके लाएगा भी कहाँ पे, अपन देखते थे कंपोनेंट, जैसे मैंने काउंटर वन काउंटर टू काउंटर थ्री बनाया था, जो भी स्टेट है इनिशियल स्टेट वो ही कंपोनेंट में वो वापस वैल्यू लेके आता है, जैसे अपने काउंट वो 10 20 वाली लेता था, 100 200 वाला दूसरा कंपोनेंट था उसकी उसी में लेता था, राइट। इन द सेम वे यहाँ पे भी अगर वो जाएगा तो लेके वैल्यू यहाँ पे ही आएगा, ठीक है ना। तो अभी बोलो अगर मैं इसके जगह पे जस्ट सिंपली पास कर दू स्टेट एंड डिस्पैच, विल इट वर्क? डिस्पैच उम्मीद कम है कहे कि यार लॉग इन यूजर लॉग आउट यूजर कहां से एक्सेस होगा। अच्छा हाँ ठीक है, हो जाएगा अब ना वो, ठीक है वहां से ही पास करना पड़ेगा फिर हमें। बट मैं सब मतलब बता रहा हूँ, तुम हर रहे इवोल्यूशन में, नहीं तो फिर अभी अगर ऐसा नहीं आया तो और तुम ये हो जाओगे कि वो अलग क्या था ये अलग है, तो फॉर दैट रीजन ये कहाँ से है, ये क्रिएटर से आ रहा है, और अभी मेरे इसमें क्या है, इसमें स्टेट है, दूसरी चीज क्या है, डिस्पैच। तो मेरा पूरा रिड्यूसर मुझे यहाँ पे मिल गया, जैसे ऑल टाइम मतलब हर बार तुमने अभी जो दो तीन दिन में कैसे किया है, स्टेट और रिड्यूसर मिलता था, डिस्पैच मिलता था, तो ये बस अभी मेरा यूज कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है, पर चीजें वही है, मेरा स्टेट भी कहाँ पे, तो भी पहले क्या करते थे तुम ये देखो, स्टेट इसमें था, स्टेट ये वाले में था, और रिड्यूसर दूसरे फाइल से आ रहा था, राइट, रिड्यूसर दूसरे फाइल से आ रहा था। अभी तुम्हारा रिड्यूसर और स्टेट एक ही फाइल से आ रहा है, तुम यूज करना चाहो तो भी यूज कर सकते हो, इधर ये भी स्टेट अवेलेबल है और डिस्पैच भी अवेलेबल है, तो फंक्शन भी तुम्हारा एक एक सेपरेट फाइल में है और तुम्हारा स्टेट भी एक सेपरेट फाइल में है, तो इससे तुम्हारा कोड हो गया प्रॉपरली मैनेज, एंड दैट्स व्हाट वी वांट। ओके समझ रहे हो। हाँ। मैं क्यों किया अभी यहाँ पे, तो मैं ये चीजें कहाँ से लेता हूँ, स्टेट और डिस्पैच यूज रिड्यूसर से, राइट। हाँ। यूज रिड्यूसर से वो चीजें मेरे पास आ रही थी, पर अभी कहाँ से आ रही है, कॉन्टेक्स्ट से, मतलब मैंने कॉन्टेक्स्ट का अभी अगर मुझे मेरा फंक्शन मतलब यूज रिड्यूसर से क्या हो रहा था, मैं मेरा फंक्शन यूज कर पा रहा था बार बार अलग अलग फाइल्स में, बट मेरा स्टेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि स्टेट मुझे यहाँ पे लिखना पड़ रहा था, राइट। जैसे अपने वो जो काउंटर वाला था, हर इसमें अलग लिखता था, हर इसमें अलग वैल्यू आती थी, बट अगर मैं स्टेट अभी कॉन्टेक्स्ट से लाऊ तो अगर मैं ये कॉन्टेक्स्ट की वैल्यू, कॉन्टेक्स्ट वाली स्टेट की वैल्यू कोई और कंपोनेंट में यूज करना चाहूँ, जैसे अभी लॉग इन हो गया, अभी डैशबोर्ड में यूज करना चाहूँ, तो भी मैं वो स्टेट यूज कर सकता हूँ। ओके मतलब मेरा स्टेट भी डायनेमिक हो गया और फंक्शन भी डायनेमिक हो गया, एंड दैट्स लाइक वो ही अपने को चाहिए था, समझ रहे हो ना एवरीवन। सर बट वो क्रिएटर डॉट जेएस का काम तो फिर समझ में नहीं आया। क्रिएटर डॉट जेएस, क्रिएटर डॉट जे एस अपने को बस डिस्पैच क्या लेता है बोलो, व्हाट डज डिस्पैच टेक, इधर भी जाओ, इधर भी जाओ, एक्शन लेगा, राइट, ऑब्जेक्ट में होगा। हाँ, जो होगा ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में बहुत सारी चीजें रिपीटेड है, रिडंडेंट काम है अपने पास, रिपीटेड वर्क है, क्या है, हर बार टाइप बनाना ही है, हर बार पेलोड बनाना ही है, और इसका ऑब्जेक्ट बनाना ही हर बार, तो हर बार ये ना लिख के मैं क्या करूंगा, ये किधर तो भी बना के रखूंगा, इसमें क्या है, ये वैल्यू भी रिपीट है, ये वैल्यू भी रिपीट है, बस टोकन चेंज होने वाला है, टोकन डायनेमिक रहने वाला है, तो मैं क्या करूंगा, ये बार बार लिखने से अच्छा है इसको एक्शन क्रिएटर बोल दो, मतलब ये जो एक्शन, ये एक्शन है ना, ये एक्शन को बनाना, एक्शन क्रिएटर मतलब वी कैन डायरेक्ट इसको क्रिएटर ना बोल के वी कैन कॉल इट एज एक्शन क्रिएटर, इसका काम है बस ये ऑब्जेक्ट बनाओ,
हाँ सर, हाँ हाँ समझ में, समझ गया। ये ऑब्जेक्ट बनाने का काम है, ये पूरा पूरा रिडक्स तुम सीखना चाहो ना अभी, तुमको अगर तुम अभी एक रिडक्स का वीडियो देख लो तुम रिडक्स पूरा समझ जाओगे, क्योंकि यही इतनी ही चीजें है, क्रिएटर टाइप रिड्यूसर। इसको लाइक इफ यू सी दिस वीडियो और प्रैक्टिस दिस 3-4 टाइम, तुम्हारा अगला वीक अगला यूनिट पूरा एकदम स्मूथ चला जाएगा। ओके, सो नाउ वी विल सी अभी हियर एट प्लेस ऑफ दिस डिस्पैच क्या लेगा, लॉगिन बराबर, ठीक है। समझ रहे हो ना, अभी मैंने इधर का भी ये हटा दिया। हाँ तो ये डिस्पैच जो जाएगा वो रिड्यूसर को कॉल कर देगा। हाँ ठीक है, एंड हियर लॉग आउट का भी दे सकता हूँ, बट दिस इज द वे। अभी यहाँ पे डिस्पैच क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं अगर नहीं लिखता ये तो क्या लिखना पड़ता, पूरा ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता। दिस इज द वे, मुझे समझ, डिबग करने के लिए भी आसान है, और ये क्या कर रहा है, कौन सा फंक्शन क्या ला रहा है, वो सब भी मुझे यहाँ से समझ रहा है बराबर, राइट ना। ये फ्लो फ्लो समझे, समझा क्या बोलू मैं, क्योंकि डिबग अगर नहीं हुआ तो भी तुमको फ्लो अगर समझ गया यू कैन गेट इट। समझ गए सर। ओके देन देन अपन अभी फिर डिबग करते हैं। डिबग करने के लिए डेटा आ रहा है, एक्सियोस में दिक्कत है। एक्सियोस डॉट पोस्ट ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। यहाँ पे आप सही लिखे हो क्या, यहाँ पे जो 25 नंबर लाइन में लॉगिन वाले में रेस्ट डॉट डेटा डॉट टोकन होगा क्या, क्योंकि जो डेटा तुम डेटा आप ले रहे हो तो रेस्ट डॉट डेटा डॉट टोकन होगा ना, जो डेटा का जो टोकन है आई थिंक। दिस इज द वे, या दिस इज द वे, टोकन कहाँ आया दिखाता हूँ ना, टोकन भी देखते हैं। एंड ऑन दिस पेज इटसेल्फ मैं यहाँ पे करूंगा, कहाँ पे है, किस में है मेरा टोकन, H1 स्टेट में, स्टेट आ रहा है राइट, स्टेट डॉट टोकन, तो स्टेट डॉट टोकन, स्टेट डॉट टोकन ये मेरा कवर करो भाई, ये सिंगल सिंगल में कवर करना पड़ेगा। हाँ अभी कंसोल क्लियर कर दो सर, पहले बनना कुछ समझ ही ना। माय टोकन, माय टोकन ये कुछ भी नहीं है। एंड अभी पी टैग थैंक्स फॉर वाचिंग ऑथ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी लिख दो क्या। स्टेट स्टेट state dot is auth, ये आएगा क्या, will it get shown or not, दिखेगा ही जाएगा का, but it is truthy value ना, ये truthy value नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा अगर is auth, इसके लिए क्या लगना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, state dot is auth अगर true है तो भाई string में पराग दे दो, else में दे दो सुमन, या फिर इसको मुझे करना पड़ेगा plus डन फॉल्स है, पूछा नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं है, डाटा डाटा सेम हो गया इसलिए नहीं जा रहा हूं। नहीं तो ये रिफ्रेश का भी इशू हो सकता है, देखना पड़ेगा, बट अभी तो सब सेव कर लो वरना सारा ही चला जाए, ऐसा मत बोलो यार, तो आप कर ही नहीं रहे हो सेव, अरे गायब हो गए। एक्सियोस में दिक्कत है सर, फॉर्मेट देखो पहले तो एक्सियोस का, मैं तो प्री क्लास भी नहीं देख,
तो बराबर है यार जाने दो, एक काम करते हैं। हाँ तो रिटर्न नहीं लगाना पड़, रिटर्न लगा तो है नहीं है जहाँ पे आपने कर्ली ब्रेसेस डॉट देन के बाद रिस्पांस दिया है ना उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ले लिया है रिटर्न इफ रिस्पांस डॉट टोकन। या एक एक सेकंड है, एक सेकंड गाइस कितना भाई दे रहे पेरेंट्स में देते हैं ना शायद वो जो एक्सियस पोस्ट के बाद जो रहता है। सबका वो टू डू लिस्ट वाला एक्सियो जो करना था वो हो गया असाइनमेंट, टू डू लिस्ट विद एक्सियो था ना असाइनमेंट। हेलो ना कुछ नहीं हुआ सर, करवाए थे वो इस भी केक भी नहीं हुए। हेलो सर करवाए टू डू लिस्ट वाला एक्सियोस का बट वो बाकी का नहीं, दो तीन ही करवाए डिलीट तक बट बाकी का करना है ना और उसमें तो एक एक ही चीज तो बाकी था सिर्फ टॉगल स्टेट का, टॉगल स्टेट का पहले तो कराया है ना, इसके पहले टू डू लिस्ट में कराया वही तो सिर्फ ऐड करना है सब कुछ। तो पुराने ही वाला उठा के एक्सियोस कर दो जहां फेच की जगह का था पुश स्लैश यूजर सही तो है। क्विट अपन अभी समझने के लिए वी कैन डायरेक्टली डू लाइक दिस डिस्पैच समझना है ना। अरे यार रिटर्न एक्सियोस वाला ऑन करना पड़ेगा 21 नंबर लाइन ठीक है ये समझ रहे हो क्या? हाँ कि मैंने क्या किया है बस अभी ये रिक्वेस्ट का कुछ तो भी अपना इश्यू है वो देखते हैं बट ये समझो मैंने मेरे डिस्पैच मेरा स्टेट कहाँ पे है मेरे कॉन्टेक्स्ट में बराबर ये इनिशियल स्टेट है ये टोकन है और ये वैल्यू है और ये वैल्यू चेंज कहाँ से कहाँ कहाँ से होगी मेरे रिड्यूसर से ठीक है रिड्यूसर से चेंज होने के लिए उसके उसको चाहिए टाइप और पेलोड बराबर हाँ। अगर उसको टाइप और पेलोड चाहिए तो उसके लिए मैंने बनाया क्रिएटर कौन से नाम से लॉगिन ठीक है लॉगिन नाम से अगर मैंने क्रिएटर बनाया तो अगर ये लॉगिन वाला ये टाइप और ये पेलोड लेगा तो मुझे लॉगिन कॉल करना पड़ेगा अगर वो पेलोड वो रिड्यूसर मुझे चलाना है तो लॉगिन वाला केस चलाना है तो ठीक है तो मैंने वो पास किया कॉन्टेक्स्ट से मैंने पास किया स्टेट और डिस्पैच ये मेरे वैल्यू को ठीक है ये वैल्यू से अभी ये रैप कर दिया तो वो मेरा लॉगिन में आ गया। अभी लॉगिन में आने के बाद मैं वो लॉगिन को कॉल कर रहा हूँ ये लॉगिन को इंपोर्ट भी किया है ऊपर ये देखो लॉगिन क्रिएटर में से तो क्रिएटर में से ये अगर मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ ये और ये वैल्यू से तो मेरा ये अगर ये यहाँ पे कुछ भी है लाइक अभी अपन ने पोस्ट नहीं किया है पर ये यहाँ पे जैसे ही मैं हिट करूंगा क्या हिट होगा ऑन सबमिट वाला बराबर ऑन सबमिट से क्या हिट होगा डिस्पैच डिस्पैच हिट होगा तो यहाँ पे क्या चाहिए था ये चाहिए था एक्शन एक्शन मतलब एक ऑब्जेक्ट चाहिए था अगर एक ऑब्जेक्ट चाहिए था तो ये मेरा फंक्शन क्या कर रहा है लॉग इन वाला एक्शन दे रहा है और ये पैरामीटर ले रहा है टोकन करके जैसे कुछ तो टोकन ठीक है रेज डॉट टोकन तो ये वैल्यू मुझे ऐसा टाइप बना के दे रही है टाइप लॉगिन लॉगिन और वो पेलोड वाला पेलोड इज इक्वल टू जैसे वो भी जो भी वैल्यू है यहाँ पे वो राइट और ये मेरा जहाँ कहाँ पे रहा है ये कहाँ से आ रहा है पहले तो ये डिस्पैच है मेरे कॉन्टेक्स्ट में तो पहले कॉन्टेक्स्ट में जाएगा ना कॉन्टेक्स्ट में जाएगा यहाँ से जा रहा है कॉन्टेक्स्ट से जाएगा रिड्यूसर में रिड्यूसर में भी क्या हो रहा है रिड्यूसर में भी ये देखो रिड्यूसर में भी तुम्हारे दो तीन चीजें हैं जैसे रिड्यूसर को खोलते हैं नीचे इसको खोलते हैं ऊपर और ये रिड्यूसर में देखो
रिड्यूसर में क्या क्या है? रिड्यूसर में है तुम्हारा टाइप एंड पेलोड, ठीक है, पर ये जो लॉगिन है, ये लॉगिन और ये मेरा जो क्रिएटर देगा, क्रिएटर जो ऑब्जेक्ट बना के लॉगिन देगा, वो अगर मैच हो गया ये वाला टाइप, क्योंकि वो मैंने दोनों जगह पे सेम दिए हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ टाइप आपका जो लॉगिन से मतलब एक क्रिएटर से टाइप आ रहा है, नहीं टाइप टाइप ये पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरा लॉगिन से, पर जो टाइप है टाइप, ये जो टाइप है ये आ रहा है मेरा टाइप से, इसलिए तो मैंने टाइप्स वाला बनाया है कि मैं 1 2 3 जगह यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 3 जगह नहीं 2 जगह, एक क्रिएटर में एक कर रहा हूँ रिड्यूसर में, तो इसमें मेरी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो या फिर कुछ एरर ना हो मेरे से, इसलिए मैं उसको क्या कर दिया हूँ, कॉन्स्टेंट बना दिया हूँ, कॉन्स्टेंट वेरिएबल। अभी मैं वही यहाँ पे भी भेज रहा हूँ और क्रिएटर में भी मैंने यहाँ ये टाइप से ही इम्पोर्ट करके लिखा है क्रिएटर में भी, बराबर ना। तो अगर मैं वो बना रहा हूँ, मेरा ये ऑब्जेक्ट बनेगा, लॉगिन में आएगा और लॉगिन ये वाली चीज करेगा, ठीक है ना। ओके, तो वो देखो, अगर मैं यहाँ पे अपन वो उसका भी पोस्ट का भी देखते हैं, इसका अगर मैं सबमिट कर दूं, ये मेरे यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो रही है और यहाँ पे भी ट्रू हो जा रहा है। Okay. मतलब ये जो मेरा डिस्पैच है ये काम कर रहा है। तो दैट्स व्हाट यू वांट टू लर्न ना, अभी देखते हैं वो उसका इश्यू, बट सम मतलब और बोलो, ये तो डिबग हो जाएगा। नहीं तो ये मैं क्या करता हूँ, इसका भी कुछ इश्यू नहीं होना चाहिए यार। वैसे रिटर्न करने से तो दिक्कत नहीं थी, तो पहले response.token on कर लो सर, एरर बना रहा है। लाइन नंबर 23 अनकमेंट दैट, एंड ये अभी करते हैं अनकमेंट, और ये अभी ये इतना मतलब इफ यू नो दिस मच ना, देन आल्सो यू हैव नो इशू, बट वी विल सी दिस आल्सो। रेज डॉट, ये API तो बराबर है यार, API पोस्ट डेटा है मेरा ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट भी बराबर जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, पोस्ट रिक्वेस्ट हिट हो रही है, रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड इफ आई सी रेस, इफ आई सी रेस कंट्रोल से हो, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं किया है ना अपन ने, जो मेरा डेटा होगा वो मेरे ऑब्जेक्ट में होगा ना, डेटा होगा कौन सा वाला, हाँ तो भी डेटा ऑब्जेक्ट ही तो पास करना होता है, पहले रिटर्न लिख दो वहां पे बनना, ऑब्जेक्ट में पास किए हैं सर डेटा को, ये डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट ही है ना, मेरा डेटा ही ऑब्जेक्ट है, ये देखो डेटा क्या है, ऑब्जेक्ट। हाँ तो वो आपको पहले वहां रिटर्न तो लिखो। हाँ ये आ गया आ गया, कुछ नहीं है एरर, ये है डेटा, ये है मेरा, दिस इज द इशू। क्या इशू था? Res.data.token हाँ, ये हम कब से बोल रहे हैं आप करो, अरे अरे स्टार्टिंग में मैं बोला था कि इसको डेटा बोलो, Res.data.token बोलो, अरे मेरा क्योंकि यहाँ पे आप यहाँ पे डेटा पास कर रहे हो ना, यहाँ पे वहाँ पे XCS के बाद पोस्ट API लिखे उसके बाद डेटा क्यों, तो उसका डेटा का जो वहाँ पोस्ट करते हैं जिस वेरिएबल से वो वेरिएबल नहीं वो उसका नहीं है, बट ये डेटा में है ना, अभी तो करना पड़ेगा, बट अगर मैं ऐसा कर दूं यहाँ पे डॉट देन डॉट, नहीं तो अगर डेटा की जगह यहाँ कुछ और लिखते तो हमें रिस्पॉन्स डॉट कुछ और लिखना पड़ता। अरे डेटा का ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो, तुम यहाँ पे कुछ भी लिख, अच्छा, दो। ओके ओके ओके, मुझे लगा उधर, तो लिख रहे वो ही। हाँ नहीं वो उधर वाला है सर्वर वाला, गॉट इट, कंफ्यूज कर दोगे यार, नहीं सर एक ही दिन में काम हो जाता है ना एक्सियोस में, तो अरे हाँ एक ही दिन में हो जाता है, बट ये मैं कर रहा हूँ, ये देखो ये अगर पहले कर देते तो भी हो जाता, समझ रहे हो चीज वही है। नहीं मैं नहीं समझ रहा है, ए जे response.json की जगह आपने डेटा क्यों लिख दिया, डेटा मेरा ये सेव नहीं हुआ है, एक सेकंड
नहीं तो आपने रिस्पॉन्स डॉट जेसन करते हैं जहाँ पे लाइन नंबर 19 में, वहां पे डेटा क्यों लिखा है? मुझे मुझे पता है ना कि पहला वाला ऑब्जेक्ट डेटा मिलने वाला है, तो जो इसका जो रिटर्न होगा ये क्या हो रहा है, इसका रिटर्न क्या होगा? रेज डॉट डेटा, इसका रिटर्न। अच्छा ऊपर आपने डेटा में बनाया है इसलिए आप रिटर्न रिस्पॉन्स। नहीं नहीं नहीं, अरे ऑब्जेक्ट में डेटा में, डेटा एक ऑब्जेक्ट है उसके अंदर ये सारे तुम्हारे जो भी डिटेल्स है वो डिटेल्स उसमें। अरे ये तुम ये एपीआई से आ रहा है डेटा। ओके ओके ओके, समझ गया सर पूरा। यूजर डेटा ये कंफ्यूज मत हो तुम, ये यूजर डेटा अभी सब जगह तुम्हारे वजह से बदलना पड़ेगा मुझको। नहीं मैं समझ गया था, इतना का मेहनत कर रहा हूँ जेट करके भाई, कर दो बाद में भी काम आएगा। हाँ अभी यू कैपिटल, नहीं नहीं यू कैपिटल यूजर डेटा, ठीक है। डेटा कर दिया बट सर मैं ये पूछ रहा, ये तो ठीक है पर आप रिस्पॉन्स डॉट डेटा इसलिए कर रहे हो रिटर्न क्योंकि आपको पहला ऑब्जेक्ट डेटा का। हाँ हाँ, तो इसका जो भी रिटर्न होगा इसका रिटर्न क्या होगा? रिस्ट डॉट डेटा। हाँ तो ये रेस डॉट डेटा एज अ पैरामीटर चल जाएगा मेरे दूसरे इसमें, तो ये यहाँ पे जो रेस है ना, हाँ, ये मैं कुछ भी लिख सकता हूँ मेरे पैरामीटर की वैल्यू, हाँ, वही मैं अंदर यूज करूंगा, तो मैं उसको वापस से रेस लिख दिया अभी। रेस मतलब रेस डॉट डेटा है। ओके, और वो रेस डॉट डेटा में अगर कुछ, रेस डॉट डेटा मतलब वो छोटा वाला ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट को मैं वापस रेस डॉट टोकन कर रहा हूँ। Okay. और ये सब चीजें किसको दे रहा हूँ? डिस्पैच को। ठीक है संतरु सर, अब सिंपल सा एक काम आपको और करना है, फॉर्म पे सैंडबॉक्स की लिंक देना है। वो नहीं दूंगा। अरे सर दे दीजिए सर, दिक्कत हो जाएगी बहुत। वैसे अब तुम कर लेंगे फिर, पहले पहले समझ। अरे यार ये क्या हो रहा है, बच्चों पे मेहरबान हो जाओ आप, दे दो जल्दी ये अरे वो बोलो दे, लिंक का तो कुछ ये नहीं है, बट क्या नहीं समझा है सब कुछ। क्या प्रदीप सिंह गोन, प्रदीप सिंह, शिव प्रताप सिंह यादव, विच ब्रांड, किस कौन सा ब्रांड लू अभी, किस कौन सा, ये रात हो गई क्या, ब्रांड बिन कुछ बात कर रहे हो? रेड लेवल सर करो। या गो ऑन इफ एनीवन हैव डाउट प्लीज, क्योंकि यही तुम्हारा अगला पूरा यूनिट ही यही है ये रिड्यूसर। बट सर इसको प्रैक्टिस करने के लिए दो चार बार बनाना पड़ेगा, रिड्यूसर क्रिएटर टाइप वगैरह, तो आप सैंडबॉक्स दे देना धीरे-धीरे। नहीं सच में टाइम लगेगा, अभी समझ आ गया बात। एक बार में मतलब क्या कहते, एक बार में कैच नहीं कर पाएंगे पूरी तरह सर, मतलब सिर्फ हमने अभी कोड देखा है ना। देखो करते है ना इसको बनाओ कि इसको रिफ्रैक्टर करते हैं, जैसे क्या करना पड़ेगा तुमको इसको रिफ्रैक्टर करने का, मतलब तुमको मतलब एक स्टैंडर्ड होता है, वो स्टैंडर्ड में अपन अपना फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? तो इसके लिए फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये रिड्यूसर में ये तीन फाइल जाती है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि एक ही रिड्यूसर रहेगा, रिड्यूसर में भी लाइक 20, 30, 40 कितने भी, ठीक है? तो इसी के लिए क्या होता है, एक रिड्यूसर की फोल्डर बनता है रिड्यूसर का, उसमें जाता है इंडेक्स, ठीक है? वो इंडेक्स में जाएंगे तुम्हारे सब रिड्यूसर, सब ये जो रिड्यूसर है अभी, ये क्या किया है तुमने, एक्सपोर्ट अभी रेंडर सर, सारी जगह आप डॉट सेलेक्ट करते रहोगे फिर एक घंटे, हम इसी से समझ लेंगे। सच कह रहे हैं भाई, अभी कुछ और मिस्टेक और हो जाए, अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है। इवैल्यूएशन के बाद 15 मिनट में सीखेंगे हम सारी ये चीजें, ठीक है ओके एंड होने वाला है।